Dear students, welcome to Gates Measures. इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ CSMA CA that is career sense multiple access with collision avoidance. और इसमें हम CSMA CA से related सारे important point डिस्कस करेंगे जो आपके competitive exam, even आपके college या university level के exam में बहुत ज़्यादा helpful होंगे. तो guys फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. CSMA CA की अगर हम बात करें ना, तो ये हम कहां पे यूज करते हैं, पहला पॉइंट नोट कर लेना. वायरलेस लैन में हम यूज करते हैं, वाईफाई बोल सकते हो या फिर IEEE 802.11 बोल सकते हो. तो यहां पे हम यूज करते हैं किसको, CA, दैट इज व्हाट, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस. तो कोलिजन अवॉइडेंस जो है वो आपकी वाईफाई में वायरलेस में यूज होता है. इससे पहले हमने बात की थी CSMA CD की, उसमें हमने बात की थी कोलिजन डिटेक्शन की. तो वायर्ड के केस में कोलिजन डिटेक्शन, वायरलेस के केस में कोलिजन अवॉइडेंस. पहला तो ये पॉइंट नोट कर लेना. अब मैं आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है CSMA CD के बारे में. तो देखो, लेट्स सी, अगर मेरा कोई स्टेशन है S, अगर ट्रांसमिट कर रहा है कोई सिग्नल, अगर लेट से वो ट्रांसमिट कर रहा है, अगर उसी टाइम पे उसको कोई और सिग्नल भी रिसीव होता है, तब जाके उसको बोलते हैं हम कोलिजन डिटेक्शन. मतलब एक पॉइंट पे एक तो वो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, एक तो ये सिग्नल, एक उसके पास ऑलरेडी आ गया, मतलब एक ऑलरेडी उसके पास है और एक और एक्स्ट्रा उसके पास आ गया, यानी दो सिग्नल उसके पास आ गए. तो वहां पे क्या होता है, कोलिजन को डिटेक्ट करना जो है वो यहां पे होता है. तो उसके पास एक तरह से एक एनर्जी तो ऑलरेडी सेंड कर रहा है, मतलब एक सिग्नल जो सेंड कर रहा है, उसकी तो एनर्जी है ही, लेट्स से इवन. एक और सिग्नल आ गया, मतलब उसके पास जो है वो डबल एनर्जी का एक तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं. तो वो यहां से डिटेक्ट करेगा कि यार मैं तो इवन भेज रहा हूं, लेकिन मेरे पास ट्वाइस ऑफ इवन, क्योंकि दोनों की एनर्जी तो तकरीबन बराबर ही होगी. तो मतलब तब जाके वो डिटेक्ट कर पाएगा कि यस देयर इज अ कोलिजन. लेकिन वायरलेस के केस में क्या होता है ना, वायरलेस के केस में आपका जो जब डेटा या सिग्नल जब एक तरह से ट्रांसमिट होता है ना, जब वो ट्रेवल करता है, तो एनर्जी क्या हो जाती है उसकी, लूज. इस वजह से उसको डबल एनर्जी वाला सिग्नल मिलेगा नहीं. जब तक डबल एनर्जी वाला सिग्नल मिलेगा नहीं, तब तक वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि यस देयर इज अ कोलिजन. दैट्स व्हाई यहां पे यूज करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस. ये सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना, ताकि आपको जहां पे भी पूछ लेना आप इजीली लिख सकते हो. अब मैं आपको बताता हूं कि यार इसकी स्ट्रेटजी क्या है. तो ये पूरा फ्लो चार्ट जो है वो मैंने आपको बना दिया है. तो स्टार्ट देखो, सबसे पहले लेट से कोई स्टेशन आया, उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है, तो के की वैल्यू क्या है, जीरो. मतलब स्टार्टिंग में उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट, के का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट. लेट से वो पहली बार आया, तो के की वैल्यू उसके स्टार्टिंग में क्या है, जीरो. अब लेट से उसने सबसे पहले क्या किया, सेंस, क्योंकि है तो ये CSM में ना, करियर को पहले सेंस करेगा. सेंस किया, आइडल है, अगर यस है तो नीचे जाएगा, अगर नो है तो वापस दोबारा ऊपर जाएगा. मतलब ऊपर जाने का मतलब क्या है, दोबारा फिर सेंस करेगा. तो जैसे ही उसको आइडल मिल गया, तुरंत उसने क्या करना है, वेट करना है. यहां पे डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट कभी नहीं करना, वेटिंग का फंडा सबसे ज्यादा यहां पे. तो वो क्या करेगा, वेट फॉर IFS. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFS, इंटर फ्रेम स्पेस. इसको आप बेटर बोल सकते हो DCIF या DIFS, दैट इज DCF, इंटर फ्रेम स्पेस. और DCF आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन. ये भी छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना, ये सिर्फ आपका वायरलेस के केस में यूज होता है. एक तरह से वो क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट कर रहा है. उसका रीजन क्या है, वो इस वजह से वेट कर रहा है, हो सकता है कोई और स्टेशन ने ऑलरेडी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया हो, तो मे बी फ्यूचर में कोलिजन ना हो. तो इसीलिए उसने आइडल होने के बावजूद, क्योंकि आइडल उसको कहां पे पता लग रहा है, सिर्फ उसको खुद का पता लग रहा है, वो खुद के आप कह सकते हो नोड के ऊपर पता लग रहा है कि यस देयर इज अ आइडल. पूरा डोमेन, पूरा का पूरा आपका जो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो आपका डोमेन है, उसमें थोड़ी ना उसको पता लगेगा कि पूरा का पूरा डोमेन ही आपका आइडल है. नहीं, उसको सिर्फ अपने एंड पे दिख रहा है कि यस देयर इज अ आइडल. लेकिन उसने देखो तुरंत स्टार्ट नहीं किया, उसने वेट किया, ये सोच के मे बी किसी और ने शायद मेरे से पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी होगी, तो इसीलिए वो वेट करेगा. उसके बाद आता है कंटेंशन विंडो. चूज अ रैंडम नंबर R between 0 to 2 power k minus 1. तो let's say अगर starting में
पहला ही अटेम्प्ट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 टू 2 रेज टू पावर 0 माइनस 1 तो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 तो एक तरह से उसने क्या करना है वेट नहीं करना लेट्स सी अगर कोलिजन हो जाता है जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर कोलिजन हो जाता है तो घूम के जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी यहां पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी लेट्स सी अगर वो उसका कोलिजन आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगी ये वैल्यू 0 टू 2 पावर 1 माइनस 1 मतलब फिर 0 टू 1 तो यानी ये इस वैल्यू को इन दोनों में से कोई भी वैल्यू को चूज करेगा इसके बाद 0 टू एक तरह से ही वैल्यू जो है वो इसके बाद क्या हो जाएगी 2 रेज टू पावर 2 तो मतलब एक तरह से 0 से 3 फिर 0 से 7 मतलब ये एक तरह से एक्सपोनेंशियली जो है वो वैल्यू ग्रो करती रहेगी और ये स्लॉट का मतलब क्या है ना यहां पे वो क्या करेगा किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट की वेट करेगा मतलब कहने का कि लेट्स से मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्लॉट बना दिए लेट्स से मैंने 5 सेकंड का एक स्लॉट बना दिया तो अगर उसने वैल्यू 0 चूज की तो फिर वो 0 मतलब कोई वेट नहीं करेगा तुरंत नेक्स्ट फेज पे चला जाएगा लेट्स से अगर उसने 1 वैल्यू चूज की तो यानी वो एक स्लॉट तक क्या करेगा वेट करेगा अगर लेट्स से उसने 3 वैल्यू चूज की तो यानी वो 3 स्लॉट तक 5-5 के 3 स्लॉट तक यानी कितना हो गया आपका 15 सेकंड तक वो वेट करेगा फिर नेक्स्ट वाले पे जाएगा तो ये कंटेंशन विंडो का मतलब क्या है कि वहां पे वो हम उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा वेट जो है वो करवा रहे हैं देन आ जाता है अगर लेट्स से उसने 0 वैल्यू चूज की तुरंत उसने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेक्स्ट कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा सेंड आरटीएस आरटीएस मतलब रेडी टू सेंड सिग्नल वो सेंड करेगा डेटा अभी नहीं है दिस इज जस्ट रेडी टू सेंड कि आई एम रेडी टू सेंड करने के बाद भी फिर वो एक तरह से टाइमर लगा दिया उसने शॉर्ट आईएफएस बोलते हैं इसको मतलब कम अमाउंट ऑफ टाइम है लेकिन उसने वेट करना है क्यों वेट करना है क्योंकि अभी उसको क्लियर सिग्नल नहीं मिला कहने का मतलब क्या है कि उसने अपना सेंड वाला सिग्नल भेज दिया कि आई एम रेडी टू सेंड रेडी टू सेंड सिग्नल किसके पास जाएगा लेट से आपका मॉडम है वाईफाई के केस में लेट से आपका जो हब कह लो या मॉडम कह लो ठीक है और बाकी के सारे डिवाइसेस जो है वो इसके साथ क्या है वायरलेस तरीके से क्या है कनेक्टेड है वायरलेस तरीके से क्या है कनेक्टेड है तो अब होगा क्या मॉडम के पास वो रेडी टू सेंड जाएगा उसके बाद उसने क्या करना है उसको क्लियर टू सेंड सिग्नल भेजना है तो रेडी टू सेंड भेज दिया टाइमर तक वेट किया सेंडर ने क्लियर टू सेंड मतलब कहने का कि क्लियर टू सेंड अगर रिसीव हो जाता है अगर क्लियर टू सेंड रिसीव हो जाता है बिफोर टाइम आउट इस टाइम आउट के खत्म होने से पहले पहले अगर उसको सीटीएस सिग्नल मिल गया तो उसने क्या करना है फिर वेट करना है वो वेट क्यों कर रहा है देखो अगर उसके पास ऑलरेडी मॉडम ने भेज दिया कि यस यू आर क्लियर टू सेंड उसने पहले रेडी टू सेंड भेजा उसने क्लियर टू सेंड भेज दिया अब क्लियर टू सेंड भेजने के बाद भी वो वेट कर रहा है उसका रीजन क्या है कि जैसे ही रेडी टू सेंड आया ना तो मॉडम ने तुरंत रोक दिया सारी ट्रांसमिशन कि रुक जाओ भैया ऑलरेडी देयर इज वन हु इज रेडी टू सेंड लेकिन ये हो सकता है कि ये सिग्नल से जस्ट पहले किसी और ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रखी हो तो इस वजह से वो फिर एक बार वेट करेगा और फिर फाइनली जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा तो देखो सेंड फ्रेम आपका यहां जाके हो रहा है तो इतनी जो ये सारी की सारी आप कह सकते हो स्टेप्स है ना ये सारे एक तरह से उसको रोक के रखने के लिए वेट करवाने के लिए और फाइनली उसने सेंड कर दिया एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई तो सक्सेस अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो मतलब एक तरह से कोलिजन हो गया और एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो अगेन वहां पे टाइम आउट होता है ना अगर टाइम आउट से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो गुड है अगर नहीं आई तो मतलब देयर इज अ कोलिजन तो कोलिजन के केस में फिर वही के की वैल्यू 1 हो गई मतलब कहने का कि पहले उसकी अटेम्प्ट फर्स्ट थी अब नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी एक तरह से नेक्स्ट अटेम्प्ट हो गई तो अगर इस अटेम्प्ट की वैल्यू लिमिट से कम है तब तो वो आगे जाएगा अगर लेट्स से वो वैल्यू लिमिट से भी बढ़ गई अबाउट लिमिट की वैल्यू लेट्स से आपने 10 रख दी मतलब 10 से ज्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता तो वो अबाउट हो जाएगा बट अगर लेट्स से वो लिमिट की वैल्यू अभी ठीक है मतलब के की वैल्यू लिमिट से कम है तो फिर वो टीबी टाइम तक एक तरह से आप कह सकते हो कि बैक ऑफ टाइम होता है टीबी उस टीबी टाइम तक क्या करेगा वेट करेगा और टीबी टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रैंडम नंबर जो यहां पे उसने चूज किया आर इनटू स्लॉट टाइम स्लॉट टाइम जो है वो जनरली आपका तकरीबन जो है वो राउंड ट्रिप टाइम जितना होता है तो इसीलिए हम उसको एक तरह से और वेट करवाने के भैया रुक जा ऑलरेडी तेरी एक अटेम्प्ट हो चुकी है बट वो फेल हो गई तो रुक अब यहाँ पे के की वैल्यू 1 के साथ वो दोबारा से सेम कहानी जो है वो शुरू करेगा तो इस पूरी कहानी का ना सिंपल सा मैं समराइज करके आपको बताऊं
रेडी टू सेंड, क्लियर टू सेंड सिग्नल हम यूज कर रहे हैं, बट यहां पे वेट जो है वो बार बार हम करवाते हैं. मे बी हो सकता है क्योंकि यहां पे डिटेक्ट का तो कोई फंडा नहीं है, हमने सिर्फ कोलिजन को अवॉइड करना है. अवॉइड करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप सेंडर को एक तरह से थोड़ा रोक के रखो कि यार उसको मतलब तुरंत वो डेटा सेंड ना करे, उसको हम रोक के रखते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो हम यूज करते हैं. तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो CSMA CA की इतनी है, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. थैंक यू.